शिवराज सरकार के मंत्री एवं विधानसभा उपचुनाव में अनूपपुर के बीजेपी प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह के कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने पर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने बिसाहूलाल के खिलाफ नारे लगाए और गिरफ्तारी की मांग की है। उधर निर्वाचन आयोग ने बिसाहूलाल को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है। बिसाहूलाल सिंह द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी पर विवादित बयान को लेकर जहां जनता में आक्रोश है, वहीं मीडिया में खबरें आने के बाद निर्वाचन आयोग ने भी इस पर 24 घंटे में जवाब मांगा है। बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने थाने का घेराव करते हुए बिसाहूलाल पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। गौरतलब है कि अनूपपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी को लेकर टिप्पणी की थी। विश्वनाथ सिंह ने चुनाव आयोग में दिए हलफनामे में पहली पत्नी का नहीं अपनी दूसरी पत्नी राजवती का जिक्र किया है। पहली पत्नी की मौत के बाद विश्वनाथ सिंह ने राजवती से शादी की थी। वहीं विश्वनाथ की पत्नी ने बयान पर आपत्ति जताते हुए जनता से जवाब देने की बात कही है। भाई बिसाहूलाल को मैं अपने पिता समान मानते थे, लेकिन वो मेरे पति, वो चुनाव लड़ रहा है तो गंदा आरोप लगा रहा है। मेरे को बोलता है कि वो रखेल है मेरी बेटी, और बेटा पूछ रहा है, न्यूज देख रहा है कि क्या मम्मी ऐसे बोलते हो, कर बोल रहे हैं। मेरे जनता को क्या असर पड़ेगा? अनुकूल भाई बहनों, हर लोग पूछेंगे तो इसका क्या जवाब होगा? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।